टाइम क्या हुआ यार? 10 बज गए होंगे। तभी तो मैं कहूँ मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। हाँ हाँ जा रहा हूँ लेने। एक काम कर, दोनों साथ चलते हैं, होटल भी खाना खा लेंगे। तो इसको यहीं रहने दे। तो अबे क्या साथ ले लेके घूमते रहेंगे इसको? तो पीछे से उठ गया तो? एक काम कर, स्टोर में लिटा दे इसको, वहीं सोता रहेगा ये। वैसे तेरा बॉस कब आएगा? उसका फोन आएगा मेरे पास, होटल पे हुए तो वहीं मिल लेंगे उससे। ठीक है, मैं इसे लिटा के आता हूँ। यार अब तो खाना भी खा लिया, अभी तक उसका फोन नहीं आया। आ जाएगा यार, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। देख बेटा, तेरे कहने पर पंगा तो ले लिया, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अबे तू क्यों डर रहा है? हमें वैसे भी कोई जानता है क्या? सारा रिस्क उसका है। वो तो ठीक है, लेकिन अब सोच मत, चल उठ खड़ा हो। वैसे भी बच्चा घर में अकेला है, ऐसा ना कि उठ ना जाए। चल मजा आ गया खाना खा गया। इसलिए बोला था कि वहां जल के खाते हैं, यहाँ मंगवाते ना तो ठंडा ही हो जाता खाना। हाँ ये बात तो। बच्चे को कहाँ लिटाया था? आवाज नहीं आ रही कुछ भी। खामोशी हो रही, मतलब अभी तक सो रहा है। चल मैं देखता हूँ। देख क्या जरा उसको। चल भाई उठ जा, कितना सोता है तू? हाँ चल दिया, चल दिया। अबे क्या हुआ इसको भी? अबे क्या कर दिया तूने ये? मैंने क्या करने? अबे तुझे किसने कहा था तू उसको पेटी के अंदर डाल? तुझे मैंने कहा था स्टोर में डाल के आ उसको। ये तो मर गया है यार, अब क्या करें इसका? एक काम करता हूँ, तू मेरे साथ आ, कुछ करता हूँ मैं। आखिर वो दरिंदे कौन थे जिन्होंने एक नन्हे से फरिश्ते की जान ले ली? आखिर इस छोटे से बच्चे ने उन दरिंदों का क्या बिगाड़ा था? आखिर वो बच्चा किसके आंगन का फूल था, किस माँ के दिल की धड़कन था, किसके चमन का फूल था? अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, मेरी गालिबन आपसे ही बात हुई थी। जी जी मैं ही हूँ, आ जाए जी। जवाद साहब मुझे बहुत अफसोस है, उसकी वालदा अंदर कमरे में मौजूद है। जैन, जैन कहाँ है? आप उसको नहीं लेकर आए अपने साथ? यह है जैन की बदनसीब। बदनसीब होंगे आप, मैं तो जैन की माँ हूँ। और आप? आपको तो मैं जानती हूँ। अरे बेगम ये हमारी मेहमान है। झूठ बोलते हैं आप भी इसके साथ मिले हुए हैं। मायरा आप गलत समझ रही हैं, मैं तो आपकी दोस्त हूँ, मैं आपके बच्चे को कहीं नहीं लेके जाऊंगी। नहीं नहीं मेरे करीब मत आना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाने दूंगी। तुम फिर इसको स्कूल ले जाओगी और दोबारा नहीं आएगा ये घर। मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी मायरा, मेरी बात पे यकीन करें, मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं इसको कहीं नहीं लेके जाऊंगी। बेगम आप परेशान ना हो, इसे कोई नहीं लेके जाएगा। आप ड्राइंग रूम में बैठे, मैं इसको दवाई खिला के आता हूँ। जवाद साहब आपकी बेगम की हालत देखकर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे कैसे अपने गम का इजहार करूं और आपसे क्या सवाल करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस ये क्या बताएं, आप तो रोज जीते हैं रोज मरते हैं, यही जिंदगी रह गई है। यकीनन उनका जख्म बहुत गहरा है, आपने इलाज तो कराया होगा? इलाज तो जारी है, आज देर से सो के उठी इसलिए दवाई नहीं दे सका, बस रोज सुबह गुड्डे को चिपका के खामोश बैठी रहती है।
अच्छा जवाद साहब, मुझे एक बात बताएं, आपने अपनी बीवी को अस्पताल क्यों नहीं दाखिल कराया? आजकल तो बड़े जदीद इलाज मौजूद हैं। ट्रीटमेंट तो अस्पताल से ही हो रहा है, काफ़ी बेहतर हो गई है। बस मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसको कैसे पागलखाने में दाखिल करा दूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या इस हादसे से पहले मायरा बिल्कुल ठीक थी? जी हाँ, हमारी तो बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी। हम तीन ही अफराद तो थे, मैं, मायरा और जैन। अच्छा जिस दिन ये वाक्या पेश आया उस दिन आपको कोई ऐसा खास वाक्या याद है? कुछ ऐसी कोई नई बात हुई हो या कोई खास बात हुई हो जो आपके जहन में आती है? हाँ, उस दिन जैन बहुत खुशी खुशी स्कूल गया था। पापा आपको वादे याद है ना? कौन सा वादा? बोले नुमा सरडे। हाँ भी है तो सही। हमने बोला था सरडे घुमाने जाने चलेंगे, अब झूठा वादा करते हैं। आप इत्मीनान से स्कूल जाइए, मुझे अपना वादा याद है। जैन बेटा आपकी स्कूल की बहन आ गई, चलो शाबाश। जब बाहर जा रहे हैं तो खाना भी बाहर ही खाएंगे। जनाब मैंने अपने बेटे से बाहर ले जाने का वादा किया, उसकी माँ के साथ नहीं। अब माँ के बिना बेटे को लेके जाके तो दिखाएं। चलो ठीक है, अब आप मेरे इतने प्यारे बेटे की माँ हैं तो आपको भी साथ ले चलेंगे। क्या मतलब माँ प्यारी नहीं है? अरे भाई बेटा और माँ दोनों अल्लाह का तोहफा है। ओके मैं चलता हूँ। बेटा क्या हुआ है, रोड क्रॉस करना है आपको? आ जाए मैं आपको रोड भी क्रॉस करवा देता हूँ। चीज़ खाओगे? आ जाओ मैं आपको चीज़ें भी दिलवा देता हूँ। बाजी किसको देख रही हैं आप? सैन की स्कूल वैन अभी तक नहीं आई, बस उसे ही देख रही थी। उसे कभी थोड़ी देर में आ जाएगा। इतनी देर तो कभी नहीं हुई। आप कहाँ थे? बाजी मैं जरा होटल गया था चाय पीने के लिए, मेरे सामने वैन नहीं आई। अच्छा ठीक है। हेलो जवाद, जैन अभी तक स्कूल से घर नहीं आया। क्या अभी तक नहीं आया? कोई बात नहीं, देर हो गई होगी, वहीं होगा। इतनी देर तो कभी नहीं हुई, मेरा दिल घबरा रहा है जवाद। ओके रिलैक्स मायरा, तुम परेशान मत हो। एक काम करो स्कूल जाकर देखो, मालूम करो उसने वहीं होना है। अच्छा ठीक है मैं स्कूल जाके पता करती हूँ, बताती हूँ। ओके okay.
फोन कर दे अपने बॉस को और बता दे कि तेरा काम हो गया, बस अब जल्दी से रकम का बंदोबस्त करे। अबे तो वो पेमेंट को अपनी जेब से देगा हमें? हाँ भाई, काम हो गया तेरा। किसी ने देखा तो नहीं? कच्चा काम नहीं करता मैं। जबरदस्त, ये हुई ना बात। जल्दी आ जा। बस आ रहा हूँ, ध्यान रखना कि शोर ना मचाए। सो रहा है वो, फिक्र नहीं कर तू उसकी। सो रहा है? बोला ना तुझे, सो रहा है वो, और आते हुए पैसों का बंदोबस्त करता हुआ आना। अबे अब सब हो जाएगा, मैं आता हूँ, ख्याल रखना। अब ऐसा कर, जल्दी आ जा। क्या कह रहा है? आ रहा है वो। तू एक काम कर, इसका ध्यान रख, मैं जब तक इजी लोड करवा के आता हूँ। अच्छा, सिगरेट लेते हुए आना। अबे कभी खुद भी ले लिया कर अपने पैसों की सिगरेट? बंद पड़ा हुआ है। चौकीदार कह रहे सारे बच्चे चले गए हैं। सब बच्चे चले गए? तुमने वैन ड्राइवर से पूछा? मेरे पास उसका नंबर नहीं है। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं फोन करके मालूम करता हूँ। कैसे नहीं घबराऊं? सैन का कुछ पता नहीं चल रहा। तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। ओके मायरा, ओके रिलैक्स प्लीज। तुम घर जाओ, मैं पहुँचता हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मेरा जहन नहीं मिल रहा, मैं सब जगह मालूम कर लिया। वैन वाले को फोन किया था? हाँ किया था मैंने उसे फोन, लेकिन वो तो कह रहा है कि उसने वक्त पे फ्लैट के गेट के आगे उतार दिया था। झूठ कह रहा था वो। अगर वक्त पे फ्लैट पे उतारा था तो मेरे जहन कहाँ गया? जहन को तलाश करो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। रिलैक्स मायरा, रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ। हेलो, बेटे को तलाश कर। हाँ हाँ, लेकिन तुम कौन? 10 लाख दो, बेटा तुम्हें खुद मिल जाएगा। 10 लाख रुपए? लेकिन मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है इस वक्त। अगर पुलिस के पास गए ना तो बेटे की लाश मिलेगी तुम्हें। हाँ मुझे अपना बेटा चाहिए, लेकिन कुछ कंसेशन होना चाहिए। देखो प्लीज़, जो आसानी तुम मेरे लिए कर सकते हो वो कर दो। तलाश मत करो, 5 लाख का बंदोबस्त करो, बच्चा खुद मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, मैं 5 लाख रुपये का इंतज़ाम करता हूँ। ठीक है। कौन था? क्या हुआ जवाब, कौन था? हमारे जहन को किसी ने अगवा कर लिया और वो 5 लाख रुपए मांग रहे। क्या? बायरा प्लीज प्लीज खुद को संभालो, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करके आता हूँ। नहीं, तुम पुलिस के पास नहीं जाओगे, वो मेरे बेटे को मार देंगे। मैं तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाने दूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा मैं नहीं जा रहा पुलिस के पास, तुम रिलैक्स करो। उन्हें 12 बजे तक 5 लाख रुपए देने हैं, मैं उनका तो बंदोबस्त कर लूं। मैं अपना सारा सेवर लेके आती हूँ, तुम यही रुको। जैन
जैन स्कूल से वापस नहीं आया। अगवाकारों ने वालदेन को फोन करके उसके बदले में 5 लाख रुपए की रकम तलब की। वालदेन रकम देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन 12 बजे के बाद उनका कोई फोन नहीं आया और रात बीत गई। जवाब उन लोगों का फोन क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं मेरा बेटा सोया है कि नहीं, तो आपके साथ सोता है। जब हम लोग पूरी रकम देने के लिए तैयार हैं, तो वो लोग फोन क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह हमें रहम कर, कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दे। जवाब साहब बहुत टाइम हो गया, अब पुलिस को इतना कर देनी चाहिए। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, वो मेरे बेटे को मार देंगे। नहीं मायरा, अगर उन लोगों का फोन नहीं आया तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। आप प्लीज मायरा को संभालिए। बहुत बड़ी गलती की जो कल से लेके अब तक आप घर बैठे रहे। एक्चुअली सर, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई, उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। सर हम सोच रहे थे कि हम पैसे देकर बच्चे को ले आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। सोचने वाली बात तो ये है कि उन लोगों ने अब तक फोन पे दोबारा रब्ता क्यों नहीं किया। एनीवेज, ड्राइवर का नंबर है आपके पास? जी बताइए। सर साबिर नाम है उसका। ओके, अब कोई काम आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करेंगे आप। ठीक है सर। पढ़े लिखे आदमी हो, अपनी अकल इस्तेमाल किया करो। सर मुझे तो ड्राइवर भी मशकूक लगता है, और अगर उसने फ्लैट के नीचे बच्चा उतारा तो बच्चा गया कहां? ये भी मुमकिन है। तुम एक काम करो, मुलजमान का नंबर CPLC से ट्रेस करो और ड्राइवर को ले आओ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये नंबर लो। कितने अरसे से स्कूल वैन चला रहे हैं? साहब 3 साल हो गए। 3 साल में कितने बच्चे अगवा किए? साहब अगर ये काम करना होता तो वैन क्यों चलाता साहब? सर ये इस तरह नहीं बताएगा। साहब आप स्कूल वालों से मालूम कर ले, हर बच्चे को जिम्मेदारी से छोड़ता हूँ साहब। झूठ बोलता है। बिल्डिंग का चौकीदार कहता है कि उसने तुझे बिल्डिंग के बाहर देखा ही नहीं। साहब वो बच्चे को रोड पर उतार दिया था साहब। अब आए ना सीधी लाइन। क्यों गेट पे क्यों नहीं उतारा साहब? उस वक्त सबको जल्दी होती है साहब। जल्दी या प्लानिंग? नहीं साहब, खुदा की कसम ऐसी बात नहीं है साहब। इसको ले जाके बंद करो। आज या तो ये बच्चा बरामद करवाएगा या अपनी चमड़ी उतरवाएगा। ले जाओ से। चलो दो लड़कों की तफसील मिली है, लोकेशन भी ट्रेस हो गई। वेरी गुड, हम लोग पहुंच रहे हैं। अब
पुलिस ने सीपीएलसी की मदद से फोन ट्रेस करके दो नौजवानों को अपनी हिरासत में ले लिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद आसिफ नामी नौजवान का नाम सामने आया, उसको गिरफ्तार किया और इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। आखिर आसिफ कौन था, उसकी इनसे क्या दुश्मनी थी? हाँ भाई, जवाद की फैमिली को कैसे जानता है? बच्चा कैसे किडनैप किया तूने? सर, मैं उनके ऑफिस में जॉब करता था। क्या, ऑफिस में जॉब करता था? जी सर, ये कोई 3 महीने पुरानी बात। दुश्मनी क्या थी तेरी उससे? सर, उन्होंने मुझ पर खबन का इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया था। क्या मतलब? सर, सर आपने बुलाया, बैठिए। थैंक यू सर। आसिफ साहब, वो जो अकाउंट्स में 2 लाख रुपए का फर्क आ रहा था, उसका क्या? सर, हिसाब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन 2 लाख का फर्क मौजूद है। सिर्फ फर्क मौजूद नहीं आसिफ साहब, कंपनी के साथ 2 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। फ्रॉड? लेकिन सर, फ्रॉड कौन करेगा? तुमने किया ये फ्रॉड। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। कुछ काम बगैर सोचे समझे भी किया जाता, ऐसा है ही ऐसी चीज। सर आप मुझसे जिसकी चाहे कसम उठवा लें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कसम उठाने से कंपनी का नुकसान पूरा नहीं होता आसिफ साहब, या तो आप 2 लाख रुपए जमा करवा दें या फिर ये केस में पुलिस को दे दें। आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, जा सकते। और सर, यूं उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? पुलिस के हवाले नहीं किया उन्होंने तुझको? नहीं सर, पुलिस के हवाले नहीं किया। क्यों नहीं किया? दुश्मनी थी ना उसकी तुझसे? सर वो एक बदकिरदार इंसान है। सर, मैंने ऑफिस में उनको सेक्रेटरी के साथ जिसकी वजह से उनका रवैया मुझसे बदल गया। ओ, आई सी। सर, ये खामा का एक शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा रहा है। इसका जुर्म ऐसा नहीं है कि किसी जवाज के पीछे छुप सके। हाँ सर मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। नवीद को कैसे जानता है तू? सर, बहुत बहुत पुराना दोस्त है वो मेरा। जैन के अगवा की प्लानिंग किसने की थी? सर नवीद ही का था और उसी ने ही अगवा किया था। झूठ बोलता है वो, तो कहता है कि वो जैन को जानता तक नहीं है। नहीं सर वो झूठ बोल रहा है सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, उसी ने मुझे बरगलाया था। और दोस्त, क्या हारे हुए मुर्गे की तरह गर्दन लटका के बैठे हुए हो? और सुना, नौकरी कैसी चल रही है तेरी? नौकरी खत्म हुए तो 3 महीने हो गए। वे क्यों, तेरी तो नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी। जॉब तो अच्छी थी लेकिन बॉस अच्छा नहीं था, झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। कैसा इल्जाम? 2 लाख की हेरा फेरी करने का। 2 लाख रुपए? अबे क्या अकेले खाएगा, कुछ हमें भी दे दे यार, वैसे ही आजकल बड़ी कड़की चल रही है। अरे अफसोस तो इसी बात का है कि अगर हेरा फेरी की होती तो कोई गम नहीं था, क्या कराया कुछ नहीं और बदनाम हो गए मुफ्त में। तो यार तू तो पढ़ा लिखा है यार, तुझे तो और भी अच्छी कोई नौकरी मिल जाएगी, कहीं और कर ले। अरे यार नवेद, 3 महीने हो गए यूं ही धक्के खा रहा हूँ, आजकल नौकरी मिलना आसान काम नहीं है। कभी कभी तो फील करता है कि साले को गोली मार दो। अबे गोली क्यों मारेगा तू उसको? एक काम कर, 2 लाख का इल्ज़ाम लगाया ना उसने तुझ पे, तो 4 लाख वसूल करते हैं। अबे बहुत खबीस आदमी है वो, 10 रुपये किसी को ना दे और तू लाखों की बातें कर रहा है। तूने उसका घर देखा है? हाँ देखा है। कितनी फैमिली है इसमें? मियाँ बीवी हैं और एक बेटा। बेटा कितना बड़ा है? होगा कोई 8-9 साल। मेरी मान।
ये पागल हो गया क्या? जो तेरे साथ हुआ है वो अच्छा काम था क्या? ये बहुत गलत बात हो जाएगी, किया उसके बाप ने तो उसके बच्चे को क्यों अगवा करें? अबे तुझे कौन कह रहा है, हम मर गए हैं क्या? बस नोट 50-50 होंगे। अच्छा तू ये सारा काम अकेले करेगा? अबे मेरे पास एक जीता है, तू घबरा मत, एक दिन की तो बात है, उसके बाद बच्चा माँ बाप के पास और नोट हमारे पास। अब चाय मंगा ले जल्दी से। आसिफ नहायत चलाक और मक्कार इंसान था, उसने सारा का सारा इल्ज़ाम अपने साथियों के सर पे थोप दिया। दर हकीकत वही इस मामले में इन्वॉल्व था, उसने नवीद के फ़ोन से बच्चे के वालदैन को फ़ोन किया और 5 लाख रुपए तलब किए। आगे बार जा जाके गेट खोल। अबे खा ले क्यों रो रहा है तू? बेटा आप रो क्यों रहे हो? आप तो बहुत बहादुर बच्चे हो ना। अंकल ये मुझे गंदी डाल दे रहा है। अच्छा क्यों भाई, क्यों नहीं जाने दे रहे थे घर? इसके बाप से पैसे जो लेने। अब अभी आपके पापा को फोन करते हैं, वो आकर आपको ले जाएंगे। ठीक है बेटा, लो फोन दो। क्यों, तेरे पास नहीं है क्या? अबे बेवकूफ आदमी, जितना कह रहा हूँ उतना करो। ये ले, बैल जा रही है, बात कर, वो मेरी आवाज पहचानता है। हेलो, बेटे को तलाश कर। हाँ हाँ, लेकिन तुमको 10 लाख दो, बेटा तुम्हें खुद मिल जाएगा। 10 लाख रुपए? पांच लाख में मान गया ये। और अगर पुलिस को बुला लिया तो? नहीं जाएगा, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं उसे, बहुत इंसान है, और 5 लाख उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। अंकल पापा आ रहे हैं? हाँ बेटा, पापा आ रहे हैं आपको लेने, लेकिन हम आपको जब ही जाने देंगे जब आप ये सारी चीजें खा लेंगे। जब ये खा ले तो इसे जूस भी पिला देंगे। दोबारा फोन कब करना है? अभी नहीं, 12 बजे। अभी उसे रकम तो जमा कर लेने दो, मैं रात को आऊंगा। और हाँ, बच्चे को खिला पिला कर जूस भी पिला देना, फिर ये सो जाए। ठीक है बेटा, ये खाइए। इसकी फिक्र मत करो, रकम आज ही वसूल करनी है, सब हो जाएगा। हालात चीज ही ऐसी। शबाद हमारा ज़हन कब मिलेगा? जब अल्लाह को मंजूर होगा। मैं तुम्हें कैसे तसल्ली दूं मायरा? और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं हुआ तो? इसमें भी उसकी कोई मसलहत होगी मायरा। तुम्हारा
फोन बज रहा है। हेलो। हेलो जी, मैं जवाद बात कर रहा हूँ। जी जवाद साहब, मैं इंस्पेक्टर जफर बात कर रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। जी जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा जैन। आप जरा थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन आ जाइए। जी जी बिल्कुल ठीक। कौन था? थाने से फोन था, मुझे बुलाया है। मैं भी साथ चलूंगी, मेरा जैन मिल गया होगा। चलो जल्दी चलो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको किस तरह बताऊं। जैन कहाँ है मेरा? मेरा जैन मिल तो गया है ना। मैडम आप पहले अपने मुजरिम को तो देख लीजिए, लेके आओ उसे। आसिफ तुम? जी हाँ, यही आपका सब मुजरिम। चलो बता क्या हुआ था। बस ठीक है, ले जाओ इसे। सर मेरी बात, हमें मुजरिम से क्या लेना देना, मुझे मेरा बेटा चाहिए। जैन मिल तो गया है ना? मैडम आपका बेटा मिल तो गया है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। जवान मुझे मेरा बेटा चाहिए। बस वो दिन है और आज का दिन है, मायरा अपने हवास में नहीं आई। जवाद साहब मुझे आपसे बात करते हुए इतनी तकलीफ हो रही है और शदीद गम भी हो रहा है, लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूंगी कि आप अपनी बीवी का सही और मुकम्मल इलाज कराएं। मुझे पता है ये हादसा और ये वाकया नाकाबिले फरामोश है, वो कभी नहीं भूल पाएंगी, लेकिन उनकी तबीयत में थोड़ी तो बेहतरी आ सकती है ना। ये तो बहुत बेहतर हो गई, डॉक्टरों का कहना है कि 2-3 साल में और मजीद बेहतर हो जाएगी। खुदा करे कि ऐसा ही हो। जवाद साहब आपसे बहुत बहुत माजरत, आपका बहुत वक्त लिया और बहुत बहुत आपका शुक्रिया भी कि इतने गहरे सदमे के बावजूद आपने हमसे बातचीत की। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। बच्चे मासूम फूल होते हैं जिनकी बहुत हिफाजत करनी चाहिए, कोई जानवर ही हो सकता है जो उनको मसल दे, उजाड़ दे और मार डाले। इन दरिंदों की सजा अर्श पे भी होगी लेकिन फर्श पे भी होनी चाहिए। उसकी माँ पागल ना होती तो और क्या होता उसके साथ, वो अपने हवास खो बैठी है। और कोई भी माँ अपने हवास खो ही बैठे अगर उसकी इकलौती औलाद को इस बुरी तरह से मार दिया जाए। मेरी इल्तिजा है कि ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए ताकि कोई भी किसी के घर के आंगन को ऐसे ना उजाड़े। वही आहटें दरुबाम पर, वही रद जगों के अजाब हैं, वही अदबुझी मेरी नींद है, वही अदजले मेरे ख्वाब हैं। ये न पूछ कैसे सर किए, शबो रोज कितने पहर जिए, कैसे रात दिन की तमीज थी, कैसे याद इतने हिसाब हैं।